क्या शहनाज ने ठुकरा दिया टेलीविजन पर अपने स्वयंवर का ऑफर। शहनाज के स्वयंवर में आया एक नया ट्विस्ट। शहनाज नहीं आसिम डालेंगे अब वरमाला। स्वयंवर के लिए मिला 1.5 करोड़ का ऑफर। आसिम का होगा स्वयंवर। हिमांशी का फिर टूटेगा दिल। रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस सीजन 13 फिनाले एपिसोड के काफी करीब है। शो के खत्म होने के बाद दर्शक जाहिर तौर पर अपने इस रूटीन एंटरटेनमेंट डोज को मिस करेंगे, लेकिन लगता है बिग बॉस खत्म होने से पहले ही मेकर्स ने दर्शकों के लिए अगले एंटरटेनमेंट की तैयारी कर ली है। खबर है कि शहनाज के अलावा आसिम रियाज का भी स्वयंवर हो सकता है। पिछले दिनों खबरें आई थी कि बिग बॉस के बाद शहनाज गिल को लेकर नया शो आएगा, जहां उनका स्वयंवर कराया जाएगा। इस स्वयंवर का नाम होगा शहनाज की शादी और इसकी अगुवाई शहनाज के बेस्ट फ्रेंड सिद्धार्थ शुक्ला करेंगे। हालांकि अभी शहनाज के स्वयंवर को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर फैंस को एक्साइट करने वाली है। आसिम रियाज का भी स्वयंवर होने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक शहनाज के परिवार ने फिलहाल स्वयंवर का ऑफर ठुकरा दिया है। इस बारे में शहनाज के भाई ने एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू में कहा, चैनल के मैनेजर ये ऑफर लेकर परिवार के पास आए थे, लेकिन अभी इस ऑफर को ठुकरा दिया गया है। शहनाज के परिवार को मिला था 1.5 करोड़ का ऑफर। परिवार चाहता है कि बिग बॉस सीजन 13 खत्म हो जाए और इसके बाद शहनाज घर आकर पूरे परिवार के साथ बैठकर इस बारे में कोई फैसला ले। रिपोर्ट्स की माने तो शहनाज को ऐसा करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए ऑफर किए जाएंगे। उधर जम्मू कश्मीर में मशहूर मॉडल आसिम रियाज के स्वयंवर को लेकर भी लगातार चर्चाएं गर्म है। देखना होगा कि शहनाज आसिम में से किसका स्वयंवर होता है। आप किसका स्वयंवर देखना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिग बॉस से जुड़ी सारी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे टेली मसाला।